है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत होती है एक कप चाय के साथ। चना हरी क्या कालेबा चना ये हमार हो हमार है नहीं हमार हो हमार है हमार हो पराउगंज भाग गया। तू जी बात हार घर पराउगंज तू बना के दे सीधा बाजार है केकर हो आई हमारा हमारा। तो चाना खाने के बाद बेसिकली मैंने अपना टेबल अरेंज किया, उसको साफ किया। आप सोच रहे होंगे कि मैं घर आ गया हूँ क्या, तो बिल्कुल मैं घर आ गया हूँ। इनफैक्ट आने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी पापा का प्रेशर बहुत था कि घर आ जाओ, तो मैं चला आया। तो मैंने अपना टेबल पूरी तरह से साफ करके इसको अच्छे से अरेंज कर दिया है और कितना अच्छा लग रहा है। पहले मैं यहीं पर पढ़ता था। जो लोग पहले से हमसे जुड़े हैं, पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता होगा, राइट। तो अब मैं बायोलॉजी पढ़ने जा रहा हूँ। बायो में इकोलॉजी वाला पोर्शन मेरा थोड़ा सा वीक रह गया था, क्वेश्चन गलत हो जाते थे, तो इसको पहले अच्छे से करेंगे फिर आगे से शुरुआत होगी। इनफैक्ट इकोलॉजी में मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया था, दैट्स वाई क्वेश्चन गलत हो जाते थे। बट अब प्रयास रहेगा कि इससे अब क्वेश्चन गलत ना हो। तो अभी मैं उसी चीज़ को पढ़ना चाहता हूँ जो मेरा वीक है, जहाँ मैं नीट में क्वेश्चन गलत किया था। फिर इसके बाद एक नए सिरे से शुरुआत होगी। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस टॉपिक को देख लीजिए जहाँ से आप क्वेश्चन गलत किए हैं, और गलतियों को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। गाइस ये देखिए, मेरे घर के जस्ट बगल में एक तालाब है। गाइस ये वही तालाब है जिसमें पहले मैं नहाता था। आप कहोगे इतने गंदे पानी में, तो ये गंदा पानी नहीं यार, ये मेरे गांव का स्विमिंग पूल है। और दिन में 3 बार नहाता था मैं इसमें, और एक बार तो मरा भी जाता था। यहाँ पर देखिए कुछ लोग मछली मार रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। देखिए इनका, देखिए ये यहाँ पर सभी मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। जाऊँ तो मछली वाले हुआ। गाइस ये देखिए, मैंने भी मछली पकड़ लिया है। ये छोटी मछली है, इसमें बड़ी मछलियाँ भी हैं और पकड़ते भी हैं सब लोग। इसमें है 3 किलो का है, 3 किलो का। 3 गाइस ये देखिए, इतनी बड़ी मछली मैंने पकड़ लिया। खैर ये तो फिर भी छोटी है, इससे भी बड़ी मछली मैं पकड़ा हूँ इस तालाब से। तो गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट, पकौड़ी एंड अगेन चाय। हाँ थोड़ा लेट है, लेकिन मछली पकड़ने में व्यस्त थे तो लेट तो होना ही है। तो गाइस हमने मशीन चालू किया है, पानी जा रहा है खेत में, और यहाँ पे हम लोग इसी टंकी में नहाते भी हैं। तो चलिए आपको खेत में दिखाते हैं कहाँ पानी जा रहा है। तो गाइस मैं खेत में आ गया हूँ और इसी खेत में पानी आ रहा है। यहाँ पे चरी बोया गया है गाय को खिलाने के लिए, तो सूख रहा था तो पानी देना ज़रूरी था, और एक दो दिन के बाद इसका रंग बदल जाएगा बिल्कुल पानी देने के बाद। ये देखिए चाइना रोज़, बहुत पढ़े हैं इसके बारे में, है ना। तो इसकी खूबसूरती देखिए कितना खूबसूरत है। आज मैंने इसको इसकी रूह से जुदा कर दिया। पता नहीं जो दिल इतना मासूम था आज इतना पत्थर सा क्यों है। ये देखिए, क्या आप गेस कर पा रहे हैं क्या है? पहले आप गेस करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। दिस इज नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पहले आप गेस करिए। चलिए बता ही देता हूँ। दिस इज लेमन, या ये नींबू है, बड़ा वाला नींबू है। देखिए इतना इसमें फल लगा है कि इसकी पूरी डाल झुक गई है। और मेरे घर नींबू का पेड़ बहुत ही ज़्यादा है, हर 3-4 वैरायटी का नींबू का पेड़ है, छोटा भी है, बड़ा भी है, मीडियम साइज़ भी है। तो ये है आपका अपना नेनुआ, हाँ दिस इज़ नेनुआ। ये है आपका अपना बैंगन, और बैंगन के ऊपर आप देख रहे हैं टेंड्रिल दिख रहा है जो क्लिम्बिंग में हेल्प करता है। तो ये है चौराई, आप देख सकते हैं इसका साग भी बनता है। और ये है प्याज, और प्याज के बारे में कौन नहीं जानता है, सब लोग देखे होंगे, हर कोई वाकिफ़ है।
और आगे देखिए ये है बोड़ा। जी हाँ, अभी बच्चा है, नादान है। और ये है लेडीज़ फिंगर भिंडी, और ये है धनिया, कोरिएंडर। यहाँ पर बहुत सारी सब्जी लगाई जाती है हमारे खेत में, और ये जो पूरा खेत है इसमें सब्जियाँ ही लगाई जाती हैं। और ये देख सकते हैं आप जैस्मिन, जैस्मिन, जैस्मिन। और ये है नींबू, छोटा वाला नींबू है। और ये है खजूर का पेड़, जी हाँ खजूर है, और अभी छोटा है। ये देखिए आपका अपना पपीता, जी हाँ। और डायोसियस कंडीशन देखने को मिलता है आई थिंक। और ये देखिए आपका अपना यूट्यूबर आम तोड़ रहा है। आम तोड़ने के बाद इसमें नमक और मिर्चा मिलाकर खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने आम को अच्छे से काट लिया है और मैंने नमक मिर्चा भी ले लिया है, तो चलिए अब इसको खाएंगे। ये खाने में इतना अच्छा लगता है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप आई थिंक मोमोज और मंचूरियन भूल जाएंगे, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। अरे आराम से आराम से आराम से।